गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। बाली में अपना चौथा दिन है और आज बाली से वापस इंडिया के लिए जाने वाला हूँ। बाली के बारे में क्या बताऊँ, बाली तो आपने वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने कैसे एक्सप्लोर किया है। अनफॉर्चुनेटली मुझे और करना था, वक्त नहीं था मेरे पास, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम जब कभी बाली आऊंगा तो उसको एक्सप्लोर करूंगा। आपने अगर मेरी वीडियोस को मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करें और देखें कि मैंने कैसे एक्सप्लोर किया बाली को। बाली से जुड़ी कुछ बातें हैं लेकिन वो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे सुबह के बज गए 10:30 और मेरी फ्लाइट है दोपहर को 3 बजे की। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और कमेंट जरूर करके बताना भाई, चाहे आपकी जो भी कमेंट हो, हौसला बढ़ता है अपना, कमेंट कर देना। तो सीधा अभी एयरपोर्ट पे मिलता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर मनी एक्सचेंज के लिए आया हूँ क्योंकि हॉस्टल में मैंने 100,000 डिपॉजिट किए थे। अब मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं चेकआउट कर रहा हूँ, तो वो बोले ठीक है इधर आके आप आपके डिपॉजिट लेके जाइए। तो मैं डिपॉजिट लिया है मैंने, अब वो एक्सचेंज करने के लिए एक मनी एक्सचेंजर में आया हूँ। करेंसी एक्सचेंज शॉप में यार लड़के और लड़की जो थी वो बहुत ही फ्रेंडली थी। उन्होंने मुझे टॉफीज दी जो मैं खा रहा हूँ अभी, और थोड़े चॉकलेट्स दिए, बोले लेके जाओ फ्री है आपके लिए। मैंने बोला नहीं नहीं मैं चॉकलेट्स नहीं खाता। तो टॉफी खा लिए और अच्छा रेट मिला है मुझे, 15,900 IDR। 100,000 IDR थे तो उन्होंने मुझे $6 दे दिए। ठीक है यार, कोई बात नहीं। हॉस्टल से निकल चुका हूँ, अब कैब में हूँ और एयरपोर्ट पहुँच ही जाऊँगा मैं 5 मिनट में, क्योंकि मेरे पास बैगेज है। इसके लिए मैं ज़्यादा वॉक नहीं करूँगा, बहुत गर्मी है बाहर, नहीं चल सकता हूँ यार, क्योंकि ऑलरेडी इतना सनबर्न हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तबीयत सही नहीं है अभी। बाली का एयरपोर्ट डिपार्चर जो है अंदर से कुछ इस तरह का है, ये देखो आप। जिस एयरलाइन से मैं जाने वाला हूँ वो है स्कूट। अभी तक स्कूट का गेट मिला नहीं है, तो भाई बी गेट में अपना काउंटर है 20, 21, 22, 23 और 24। तो अब यहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा स्कूट एयरलाइंस का, और बैगेज चेक इन होगी और वेट भी चेक किया जाएगा। यहाँ पे बैगेज वेट जो है वो 10 kg तक अलाउ है। दो बैग आप कैरी कर सकते हो, हैंड बैग। और चेक इन बैगेज के लिए अगर 15 kg तक आपको 6,000 पे करना पड़ता है। बोर्डिंग पास के लिए काउंटर पे आया हूँ, बोर्डिंग पास देंगे, अब बैगेज भी चेक करेंगे मेरा। दो बोर्डिंग पास मिलेंगे मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन स्मूथली क्लियर हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्यूटी फ्री एरिया। भाई 2 लीटर के बॉटल्स लिए, अभी वो पासपोर्ट से चेक करे कि यहाँ पर, और मेरा गेट देख रही है कौन सा है क्या है, उस हिसाब से वो मुझे अभी रिसीट देंगे। ये 2 लीटर लिए। ओके दोस्तों, अभी 2 बॉटल्स लिए हैं मैंने और अभी गेट की तरफ जा रहा हूँ। मेरा गेट है 5, अब गेट की तरफ जाके बाकी की बातें करता हूँ मैं। मलेशिया में भी गेट को पिंटू कहते थे।
अपना है गेट नंबर 5 और गेट नंबर 2 से 9 तक आपको जाने के लिए लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा। राइट साइड में पिंटू 1 है, अपना है पिंटू 5, तो अभी पिंटू की तरफ जाते हैं। अभी मैं पिंटू 5 मतलब गेट नंबर 5 के पास आया हूं और सीट पर बैठा हूं। मैं बाली के बारे में मैंने शुरुआत में कहा था कि बताऊंगा, सब डिटेल्स में बताता हूं, लेकिन थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि अनाउंसमेंट यहां पे ज़्यादा होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं यहां पे आया था तीन तारीख को रात को 11 बजे के आसपास आया था। बाद में जैसे मेरा लैंडिंग हुआ यहाँ पे, तो सामने आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर्स में दिखाई देंगे और आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अब यूट्यूब पर जितने भी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, ये फरवरी मंथ चल रहा है, अब अगर नवंबर दिसंबर से अगर उनके वीडियोस देखोगे तो सब में लिखा बताया हुआ है कि ना इंडोनेशिया ने वीज़ा फ्री किया। वीज़ा फ्री बिल्कुल नहीं किया, वीज़ा ऑन अराइवल है, वो भी 33 USD में। अब 33 USD पे आपको वीज़ा मिलेगा 30 डेज के लिए, वो भी वैलिड रहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको इमिग्रेशन बहुत स्मूथ है यहाँ पर। इमिग्रेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इशू नहीं है, बहुत फ्रेंडली इमिग्रेशन होता है। थर्ड, कस्टम के लिए आपको PC पे एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक बार कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके आपका कस्टम क्लियर होगा। तो ये तीन चीज़ें जो होती है इम्पोर्टेंट होती है एयरपोर्ट की, वो मैंने अभी आपको बताई। अब मैं आपको हॉस्टल या होटल के बारे में बताऊँगा। मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं हॉस्टल प्रीफर करता हूँ। हॉस्टल के रेट्स यहाँ पे 500 to 600 के रेट पे आपको अच्छे खासे हॉस्टल मिलेंगे। अब आपको कहाँ पे रहना चाहिए, देखिए बाली में अगर आप नॉर्थन पार्ट में रहोगे तो उबुद जगह अच्छी है, और मैं तो सेंट्रल में था तो कुटा में मैं रह चुका हूँ, मैं 4 दिन कुटा में था। अब साउथर्न पार्ट में अगर आप जाओगे तो उबुआटू वगैरह उस जगह पे आप रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ, 4 दिन में मैंने एक्सप्लोर कैसे किया वो आपने देख लिया है। अभी ये हॉस्टल, इमिग्रेशन, वीज़ा, कस्टम की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ। यहाँ पर आपको बाइक ऑन रेंट है वो 70K to 85K के रेट में आइडिया में मिल जाएगी आपको पर डे के लिए, तो अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हो। कार मत हायर कीजिए, 350,000 IDR पे आपको कार मिलेगी, लेकिन बहुत ट्रैफिक है छोटे रोड से, आपने देखे होंगे वीडियो पे, छोटे रोड से मतलब नहीं बनता है। तो बाइक हायर कीजिए और बाइक रेंट पे लेके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आपको फूड की। फूड यहाँ पे इंडियन फूड तो इतना है नहीं, ज़्यादा नहीं है, मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन यहाँ पे जितना भी फूड मैंने टेस्ट किया है मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट हुआ था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और फूड भी ठीक ठाक है, देख लो इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ पे, उस हिसाब से आप फूड देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाली से मैं इंडिया आ रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट पर हूँ। एयरपोर्ट से कैसे इंडिया में कैसे आ, मैं जा रहा हूँ स्कूट एयरलाइन से, और स्कूट एयरलाइन के साथ एक छोटा सा किस्सा मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बता दूँ। जब मैंने स्कूट एयरलाइंस की टिकट बुकिंग की थी तो मैंने ज़्यादा देखा नहीं, क्योंकि मैं R&D करता रहता हूँ, तो उस वक्त मेरे से गलती हो गई थी कि 7 मार्च की मैंने बुक की थी, 7 फरवरी की चाहिए थी मुझे। तो जैसे मुझे पता चल गया कि ना मुझे मेल आया, तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया उनको और बताया कि मेरे से गलती हो गई, 7 मार्च की मैंने बुक की है तो मुझे 7 फरवरी की चाहिए। तो उन्होंने बहुत हेल्प की और 15 to 20 मिनट्स में मुझे 7 फरवरी की उन्होंने टिकट दे दी। और तो मैं अभी जा रहा हूँ सिंगापुर, सिंगापुर से फिर इंडिया के लिए जाऊँगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, पहली बात तो वीज़ा ऑन अराइवल है, सेकेंड और इमिग्रेशन, थर्ड कस्टम की बात की, ट्रांसपोर्ट की बात की, हॉस्टल की बात की। अब सिम कार्ड की मैं बात करता हूँ। मैंने सिम कार्ड ज़्यादा यहाँ मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में जहाँ पे रहता था वहाँ पे वाईफाई था, तो वाईफाई मैंने यूज़ किया। अभी आप बोल रहे हो कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे तो कैसे, मैंने गूगल मैप से जा रहा, लेकिन मेरे साथ हॉस्टल की एक बंदी थी
उसके पास, वो इंडोनेशियन थे तो उसके पास कार्ड था, तो मैं उसके साथ ट्रैवल किया, तो मुझे सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सिम कार्ड मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ, एक 500 to 600 का आएगा पैकेज 15 days के लिए, और 30 days का पैकेज है। तो आप एक बार एयरपोर्ट पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब करेंसी की बात करता हूँ, करेंसी यहाँ पे आइडियल जो रहती है हमारा, यहाँ पे इनका वीक है करेंसी, कंपेयर टू आया ना हमारे करेंसी से, अपना 1 रुपया तो इनका 188 या 90 ऐसे कुछ है। और कैलकुलेशन करेंगे आप तो 4-5 दिन में अच्छा खासा ट्रैवल कर सकते हो, इतना कुछ महंगा नहीं है पानी। अब itu tadi jom jurusan mula ke pesawat saking pintu nomor 6 C Matur Susumo. अब मैं बजट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में पूरा दोनों कंट्रीज का बजट आपको बता दूंगा, मलेशिया और बाली का। तो अब मैं यहाँ से सिंगापुर जा रहा हूँ, तो सिंगापुर पे ही डायरेक्ट मिलूंगा। चलो अपनी बोर्डिंग शुरू हो गई है, अभी फ्लाइट में जाने का टाइम है। सामा सामा। ये एयरलाइंस का पहला एक्सपीरियंस है मेरा। I can film you. I'm a videographer. Welcome to A321neo aircraft. This is my passenger. Hello, welcome on board. I've been YouTuber. Yeah, YouTuber. Please subscribe. 11F. Here is your seat. There you go. Thank you. Thank you. यार लकी है मैं, सब जगह पे मुझे विंडो सीट मिल जाती है। स्कूट एयरलाइंस जो है ये सिंगापुर की एयरलाइंस है, और ये लो बजट कैरियर एयरलाइंस है, तो इसमें आपको पेड मील मिलेगा, मील फ्री नहीं है। अभी एयरक्राफ्ट नया है, अच्छा लग रहा है, लाइट्स अच्छा है। और इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर अच्छा है, लेकिन लेग स्पेस थोड़ा कम है। पुशेबल सीट्स नहीं है। ये देखिए चेक इन बैगेज है ना, अभी फ्लाइट के अंदर रख रहे हैं। अभी फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम है। दोस्तों स्वागत है आपका सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर। ये देखिए अभी मैं सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट आपको दिखाता हूँ। अब मेरा जो यहाँ पर लेओवर है वो है 4:30 घंटे का, और मेरी फ्लाइट है 11:50 की, तो सॉरी 10:50 के। तो मैं यहाँ पर 4.5 घंटे ट्रांसफ़र एरिया में बैठ के अपना कुछ काम करूँगा, या फिर थोड़ा आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा। मेरे पास 2 बोर्डिंग पास है। ये जो मेरा था बाली से सिंगापुर का,
और ये है मेरा सिंगापुर से इंडिया आने के लिए। अब मैं बता दूँ आपको मुझे बाली में दो बोर्डिंग पास क्यों मिले। देखिए मेरी एयरलाइंस सेम थी, स्कूट एयरलाइंस थी मेरी। अभी मैं बाली से जो एयरलाइन से आया हूँ स्कूट से आया हूँ, और PNR भी मेरा सेम था, तो इसकी वजह से मुझे बाली में ही दो बोर्डिंग पास मिले। अब आप ये सोचोगे कि ना, मैंने पहले वीडियो में भी बताया आपको, अगर PNR सेम है तो आपको आपके पहले एयरपोर्ट पर दो बोर्डिंग पास मिलेंगे। अगर आपके एयरपोर्ट पर एयरलाइन और टर्मिनल अलग अलग है तो आपको जहाँ से आप कनेक्टिंग फ्लाइट लोगे वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा, वहाँ पे दूसरा बोर्डिंग पास आपको उधर मिलेगा। ये अराइवल ट्रांसफ़र टर्मिनल 2, 3, 4 यहाँ पर है। मेरा टर्मिनल 1 है, इसके लिए मैं लेफ्ट में ही रहूँगा। ये राइट हैंड साइड का है, ये देखिए। मेरी फ़्लाइट है 10:20 जो सिंगापुर टाइम के अनुसार, और फ्लाइट का नंबर है TR578। ये सिंगापुर से चेन्नई के लिए है। ये एयरलाइंस का नाम है स्कूट, flyscoot.com, और इसके पहले ये इस गेट पे म्यांमार एयरलाइंस जो है वो जाएगी। म्यांमार जो है 84234 यांगोन करके जाएगी। ये 9 इसका डिपार्चर टाइम है, तो इसके बाद मैं जाऊंगा। ये है गेट नंबर 17। मुझे इस एयरपोर्ट की अच्छी बात क्या लगी है कि ना, गेट के बाहर जो चेयर्स है उसके बीच में ना आपको USB सॉकेट्स दिए हुए हैं, तो आप अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अभी अपनी मोबाइल की बैटरी चार्ज करने वाला हूँ, क्योंकि बोर्डिंग करने के लिए और 1.5 है मेरे पास, तो आराम से मेरी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी। सिक्योरिटी स्मूथ चेक हुआ है, अभी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं बैठा हूँ अंदर के चेयर में, और यहाँ से अब थोड़ी देर में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। वैसे तो फ्लाइट में मिलता हूँ मैं। आई एम अ व्लॉगर। ओके दोस्तों, फाइनली बोर्ड हो चुका हूँ। अभी एयरक्राफ्ट में हूँ और थोड़ी देर में टेक ऑफ हो जाएगा। अभी सिंगापुर में बज गए रात के 10, और डिपार्चर टाइमिंग है 10:20, और ये चेन्नई जाने वाली एयरक्राफ्ट है, तो मैं 5 के बाद चेन्नई पहुँचूँगा। इंडियन टाइम के अनुसार मैं पहुँचूँगा कुछ 11:50, और मतलब ऑलमोस्ट 12 मैं पहुँच जाऊँगा रात को। अब एयरक्राफ्ट की बात करें तो सेम वैसा ही है जैसे मैं बाली से सिंगापुर आया था। पुशेबल सीट्स नहीं है, लेग स्पेस वैसा ही है और कुछ नहीं है। अभी सीधा सो जाऊंगा, थोड़ी देर में टेक ऑफ होने वाला है, तो सीधा मैं आपको चेन्नई में मिलता हूँ। स्वागत है आपका चेन्नई एयरपोर्ट पर। 12:30 बज चुके हैं और लैंडिंग हो गई थी, एक 10-15 पहले ही लैंडिंग हो चुकी थी। अब जाना है इमिग्रेशन पर, कस्टम क्लियर करना है, और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। इमिग्रेशन हो गया है और कस्टम भी क्लियर हो गया है। अब मैं बैठा हूँ बैगेज क्लेम के सामने। अब यहाँ पे होती है मेरी इस ट्रिप ख़त्म। अब मिलता हूँ एक नए ट्रैवल सीरीज़ के साथ। ये ट्रैवल सीरीज़ आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको ट्रिप से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो। स्क्रीन पर मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय, टाटा,
See you. Good night.